तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो दानवों के दोस्तों टक्कर लगाने वाले हैं, यानी दोस्तों घमासान युद्ध होने वाला है। कौन जीतेगा वीडियो के अंत में हमको पता ही चल जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आज की इस वीडियो में हम ओमाज वर्सेस ब्रॉक लेसनर की फुल कंपैरिजन लगाने वाले हैं। कौन जीतेगा वीडियो के अंत में हमको पता ही चल जाएगा। पर दोस्तों उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों क्या कर रहे हो, ऐसे मजेदार वीडियो डालता रहता हूँ तो दोस्तों सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली बनता है। तो दोस्तों बिना बकबक करे स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा फाड़ वीडियो। तो चलिए दोस्तों हमारे मुद्दे की बात आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके रियल नेम के बारे में। तो दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर का पूरा नाम है ब्रॉक एडवर्ड लेसनर और हमारे ओमाज का रियल नेम है डोलोलोप जॉर्डन। चलिए दोस्तों हम इनके बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओमाज की चेस्ट है दोस्तों 52 इंच, वेस्ट है 38 इंच, बाइसेप है दोस्तों 22 इंच, वेट है दोस्तों ओमाज का 181 किलो। चलिए दोस्तों हमारे ओमाज की हाइट चेक कर लेते हैं। दोस्तों ओमाज की हाइट है 7'3". चलिए दोस्तों ब्रॉक लेसनर के बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में बोल लेते हैं। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर की चेस्ट का साइज है 53 इंच, वेस्ट है दोस्तों 38 इंच, बाइसेप है 21 इंच, वेट है दोस्तों ब्रॉक लेसनर का 130 किलो, हाइट है ब्रॉक लेसनर की दोस्तों 6'3". चलिए दोस्तों इनकी कंट्री देखते हैं। तो दोस्तों ब्रॉक लेसनर एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर है और दोस्तों हमारे ओमाज अफ्रीकन प्रोफेशनल रेसलर है और दोस्तों हमारे ओमाज नाइजीरियन जायंट भी है। चलिए दोस्तों इन्होंने WWE में क्या जीता है हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे ओमाज ने सिर्फ WWE में एजे स्टाइल के साथ दोस्तों रॉ टैग टीम चैंपियनशिप ही जीती है। तो दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, 3 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं 2003 का और दोस्तों 2022 का रॉयल रंबल भी विनर रह चुके हैं और दोस्तों 2002 का किंग ऑफ द रिंग भी जीता है, 2019 की मनी इन द बैंक भी जीती है। तो दोस्तों चैंपियनशिप के मामले में तो दोस्तों हमारे ब्रॉक लेसनर ही जीतते हैं ओमाज के खिलाफ। चले दोस्तों इनके रेसलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बोल लेते हैं। तो दोस्तों हमको ब्रॉक लेसनर का एक्सपीरियंस देखने मिलता है दोस्तों MMA, NJPW, WWE, UFC, मिक्स मार्शल आर्ट, ऐसे दोस्तों बड़े बड़े रेसलिंग कंपनियों में दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने काम किया है। तो दोस्तों उनको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज्यादा ही है। तो दोस्तों ओमाज की बात करी जाए तो दोस्तों ओमाज ने WWE के परफॉर्मेंस सेंटर में ऑफिशियली ट्रेनिंग भी ली है, उनको NXT का भी एक्सपीरियंस है और दोस्तों उन्होंने WWE में भी झंडे गाड़े और WWE के मेन रोस्टर में दोस्तों रॉ के टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। तो दोस्तों एक्सपीरियंस के मामले में तो दोस्तों हमारे ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर ही जीतते हैं क्योंकि दोस्तों कई सारे प्रमोशन को उनको एक्सपीरियंस है। चलिए दोस्तों WWE से इनको कितना पैसा मिलता है हम जान लेते हैं। दोस्तों ब्रॉक लेसनर को $25 मिलियन मिलते हैं जो कि दोस्तों 193 करोड़ होते हैं इंडियन रुपीज में और दोस्तों हमारे ओमाज की WWE में नेटवर्थ है अभी $1 मिलियन जो कि दोस्तों इंडियन रुपीज में होती है 77 करोड़। तो दोस्तों अर्निंग में तो हमारे ब्रॉक लेसनर जीतते हैं क्योंकि दोस्तों उनको अर्निंग के मामले में तो कोई तोड़ नहीं है क्योंकि दोस्तों मुंह मांगे पैसा देते हैं विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर को एक मैच का। तो दोस्तों ऑब्वियसली इसमें हमारे ब्रॉक लेसनर ही जीतते हैं। बाय द वे आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों ऊपर एक चार्ट आया होगा अभी, दोस्तों आप ही तय करो इसमें कौन जीता है और मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बनता है और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं या फिर नहीं, वो भी कमेंट करके 100% बताओ दोस्तों आप में दम हो तो। और दोस्तों अभी मेरे फालतू भाषण खत्म नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली अंत में मैं यही बोलता हूँ कि दोस्तों सब्सक्राइब करो और मैं होता अलविदा, मिलते हैं कल विदा।